बना दे, ये जिलेबी करके ना घुमाते हो। भारत का विभाजन क्यों हुआ था? भारत का विभाजन इसलिए हुआ था कि 14 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान में पैदा हुए लाखों हिंदुस्तानियों ने अपनी मातृ वतन के साथ गद्दारी की, जिन्ना का समर्थन किया, टू नेशन थ्योरी का समर्थन किया, पाकिस्तान बन गया। टू नेशन थ्योरी क्या थी? कि हिंदू लोगों के साथ हम नहीं रहना चाहते, मुसलमानों को अलग मुल्क चाहिए। तो दे दिया ना मुल्कों को, काफिरों के साथ नहीं रहेंगे। जो वहां पे हिंदू और सिख रह गए वहां पे, क्या तब की तत्कालीन नेहरू एंड कांग्रेस ने उनसे पूछा था कि तुम वहां रहोगे या यहां रहोगे? अमीर लोग, जो लोग बॉर्डर के आसपास से यहां तक पहुंच के किस तरह से बचते बैठे यहां पहुंच के, जो लोग यहां तक नहीं पहुंच पाया तो क्या वह पाकिस्तानी हो गया? आई एम कमिंग टू दैट, दैट्स व्हाई यू नॉट रेड द बिल। दिस बिल इज फॉर टू ग्रांट सिटीजनशिप राइट टू द परसिक्यूटेड हिंदूज एंड सिख्स लिविंग इन पाकिस्तान। एंड यू नो हाउ दे आर परसिक्यूटेड? दे आर नॉट इवन रिगार्डेड एज ह्यूमन बींग, एंड इट इज बिकॉज ऑफ अस। हमने पाप किया 1947 पे, क्योंकि हम उनको छोड़ दिया वहां पे। और हम पिछले 70 साल से जो यहाँ पे तिरंगा चढ़ा रहे ना, उनकी जिंदगी के ऊपर, उनका 15 अगस्त अभी तक नहीं आया। याद है आपको, वो हिंदू और सिख जब 10 साल की लड़की पैदा होती है, जो जर्नलिस्ट बन सकती है, डॉक्टर बन सकती है, 10 साल की उम्र में उसको उठा के ले जाते हैं और 2 दिन के बाद बोलते हैं, मुल्ला के सामने प्रेज करते हैं कि वो मुसलमान बन गई। ये इंसानियत है? उनके लिए सब नफरत कर रहे हैं। ननकाना साहब जानती है ना? ननकाना साहब सिखों की, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी शाइन है। वहां के ग्रंथी की लड़की को उठा के ले गए, 2 दिन के बाद उसको नकाब पे लेके आए, बोले ये मुसलमान बन गई। ये इंसानियत है? उनको आप यहां नहीं आने देना चाहते? प्लीज, यहां पे जितने कैंप है ना रेफ्यूजीज के, जो हिंदू और सिख यहां पर रहते हैं, उनसे पूछ लीजिए। वो रो रहे हैं बैठ के कि ये हिंदुस्तान है, इस हिंदुस्तान के लिए हम, ये हिंदुस्तान का झंडा लेके, वो चाहते तो 70 साल पहले मुसलमान बन जाते वहां पे। उन्होंने धर्म को अपने रखा, और हम कमीने अपने आप को हिंदू बोलते, सिख बोलते, उन जागरूक का समर्थन करो ही करो, और अपने आप को उनसे नफरत करते हो। और ये दिल्ली का मुख्यमंत्री टीवी पे बोलता है वो पाकिस्तानियों को नौकरी देंगे यहाँ पे। कमीने इंसान, तुझे मालूम है कि वो हिंदुस्तानी है? तुमसे ज्यादा हिंदुस्तानी है। तुमने अपने धर्म पे ऊपर कम्प्रोमाइज किया। उन्होंने पिछले 70 साल से हिंदू धर्म और सिख धर्म अपनी छाती पे लेके घूम रहे यहाँ।